Hello kids. Hello kids, how are you? I think आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. तो आज हम करेंगे राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. नियरेस्ट टेंस में आप क्या करते थे? वंस प्लेस चेक करते थे. अब यहाँ पे हमने क्या चेक करना है? टेंस प्लेस. जैसे जैसे हमने राउंड ऑफ नंबर्स आगे आगे करते जाने हैं, वैसे ही हमने उससे नेक्स्ट प्लेस का जो नंबर है वो चेक करना है. सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें. हम जब हमने नियरेस्ट हंड्रेड्स चेक करना है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 324. तो हमने ये चेक करना है कि ये राउंड ऑफ किसके अबाउट होएगी. तो अगेन द सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. अब 324 है, तो 324 नंबर जो है वो किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा? 300 और 400 के बीच में. अब ये नंबर आप चेक करो, आप कितना कितने प्लेसेस बैक जाओगे तो ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 300 के या 400 के? ऑब्वियसली ये किसके ज़्यादा पास है, 300 के. तो ये राउंड होके कहाँ जाएगा, 300 पे. अब ये तो मेन रूल नहीं है. मेन रूल के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमने चेक करना होता है नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द नंबर. हमारे पास क्या नंबर है हमने वो देखना है. नंबर टू हमने देखना है उसका, चेक द डिजिट्स एट टेंस प्लेस. अब आपने क्या चेक करना है, टेंस प्लेस का डिजिट. जो मेन हमारा काम है वो ये है कि टेंस प्लेस के ऊपर हमारा कौन सा डिजिट है. अगेन वही रूल है, अगर वो 5 है या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1. किस में ऐड करेंगे हम 1? एट द 100 प्लेस. इंक्रीज करेंगे हम नंबर जो है वो 100 प्लेस में 1 ऐड कर देंगे और बाकी जो एज इट इज़ 0 रहेगा. और अगर ये 5 या 5 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिजिट्स हैं टेंस प्लेस और वंस प्लेस के, उसको 0 बना देंगे. बस सेम वही रूल है. नंबर 3 हमारा क्या है, अगर तो टेंस प्लेस का डिजिट, इफ डिजिट एट टेंस प्लेस. अब टेंस प्लेस का डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, अगर तो ये है तो हमने क्या करना है, इसमें इंक्रीज कर देना है. इंक्रीज क्या करना है, डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस. इंक्रीज द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस बाय 1. हमने उसमें क्या ऐड कर देना है, 1. एंड बाकी डिजिट्स को, जो हमारे डिजिट्स हैं टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे, उनको हमने क्या करना है, 0. एंड रिप्लेस द डिजिट्स एट टेंस एंड वंस प्लेस बाय 0. तो ये आ जाएगा हमारे पास, राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. ठीक है, और अगर हमारे पास जो डिजिट है टेंस प्लेस पे वो लेस देन 5 है तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ टेंस प्लेस और वंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको 0 कर देना है. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने यही नंबर लिया 324. जो 324 है इसका जो टेंस प्लेस है, ये देखो इसके ऊपर लिख लो एच टी ओ, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस, एच फॉर हंड्रेड्स. तो इसका जो टेंस प्लेस है वो क्या है, 2. 2 जो है वो क्या है, लेस देन 5. तो इसमें क्या होगा, टेंस प्लेस और वंस प्लेस की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 सिंपली. तो 324 जो है वो राउंड ऑफ होके जाएगा 300 पे. ठीक है, सिमिलरली अगेन वन मोर एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं 9472. अब अगेन इसके ऊपर लिखोगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ठीक है, तो इसका हमने चेक क्या करना है, टेंस प्लेस. तो टेंस प्लेस हम चेक करेंगे, टेंस प्लेस क्या है हमारा, 7.
सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, तो ये फाइव से बड़ा है। अब ये फाइव से बड़ा है, इट मीन्स हमने क्या करना है, इसका जो हंड्रेड प्लेस है इसमें वन ऐड कर देना है और बाकी टेंस और वंस को हमने कर देना है ज़ीरो। तो ये क्या राउंड ऑफ होके कहाँ जाएगा, 9500 पे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा नेक्स्ट नंबर है 123, अगेन वंस टेंस एंड हंड्रेड्स। अगेन इसका चेक करो, टेंस नंबर, टेंस नंबर क्या है हमारा, टू, तो टू अगेन लेस देन फाइव है, तो फिर क्या होएगा, ये कुछ भी नहीं करना, टेंस और वंस प्लेस को हमने कर देना है सिंपली ज़ीरो, तो ये जाएगा हंड्रेड पे। तो वन फॉर मोर एग्जाम्पल फॉर यू पीपल स्टूडेंट्स, आपके लिए है, आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखना है 7456। आपने मुझे बताना है ये राउंड ऑफ होके क्या बनेगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।